अब करते हैं कार को लॉन्च। मैंने एल्ट्रॉस चलाई है, टियागो चलाई है, ए पिलर में एक अजीब सा नॉइज आता है, मतलब बोलते हैं ना ड्राइविंग एंथुजियास्ट कार है, जो पावर ये जनरेट करती है ना। अब मैंने पूरा पंजा दिया ही नहीं था, आप देख सकते हैं। हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आज की वीडियो किस टॉपिक पर आपको थंबनेल और टाइटल से पता चल ही गया होगा, शुड यू बाय इग्निस इन 2022। तो जो भी कोई इग्निस को लेने का प्लान करता है या ओन करता है, तो आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, बिकॉज अभी हम ड्राइव पर ही निकल रहे हैं, बट मैं आपको आज इसके राइवल से कंपेयर करके बताऊंगा, स्पेशली हम टियागो, टाटा पंच, देन उसके बाद ग्रैंड आई 10 नियोस, जो भी इस सेगमेंट में आती है, या आप अगर मारुति की कौन सी गाड़ी से इग्निस पे स्विच होना चाहते हो, या कौन सी बेसिक गाड़ी लेने का प्लान है, सोच रहे हो नेक्सा की इग्निस ली जाए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो चलते हैं, आज मैं इसका एएमटी गियरबॉक्स चलाने वाला हूं, जेटा एएमटी, कुछ इस टाइप की कीज मिल जाती है, एंड आपको जेटा वेरिएंट से ही स्टार्ट स्टॉप बटन मिलता है। सो पहले गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिलीव मी गाइज, इसका इंजन इतना रिफाइंड है ना, केबिन में कोई भी नॉइस नहीं आता, हालांकि अभी हम थोड़ा हायर आरपीएम पे ले जाकर देखेंगे, थोड़ा रेव करके दिखाता हूं आपको केबिन में। बहुत ही रिफाइंड इंजन है, यानी ये जो एग्जॉस्ट नोटेन है वो काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। एक बार मैं आपको अब इसका रिवर्स पार्किंग कैमरा भी दिखा देता हूँ। थोड़ा ब्लर्ड विजन दिखा रहा है, बट हाँ ओके ओके है, मतलब ज़्यादा ही क्लियर नहीं बोलूँगा मैं। अब करते हैं कार को लॉन्च। सो गाइज, अभी मैं अराउंड 6000 आरपीएम तक ले गया, रिफाइनमेंट नेक्स्ट लेवल है, कोई भी वाइब्रेशन अंदर नहीं आ रहे थे, कार की एनवीएच लेवल्स बहुत अच्छी है, बट जो इंजन नॉइस आपको 5-6000 आरपीएम के ऊपर आने वाला है ना, वो आपको खुद को पर्सनली काफ़ी अच्छा लगेगा। अब एकदम ही साइलेंट कार चलाने में तो कोई मतलब नहीं है, बट सबसे पहले इंजन स्पेसिफिकेशन से स्टार्ट करते, तो 1.2 लीटर का वीवीटी इंजन मिलता है, जो कि अराउंड 82 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है, 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क। आज की वीडियो में मैं आपको इसके कोई फीचर्स नहीं बताने वाला हूं, बट मैंने इंजन स्पेसिफिकेशन इसलिए बताए, इस प्राइस पॉइंट पे अगर आप देखोगे, जैसा कि इसका सिग्मा वेरिएंट जाता है 5,35,000 रुपीज़ का एक्स शोरूम, अब उस प्राइस रेंज में आपको टाटा की टियागो मिल जाएगी, पंच का भी बेसिक वेरिएंट आपको मिल जाएगा, या फिर अगर आप डेल्टा या जेटा मॉडल लेने वाले हैं तो पंच के आपको अच्छे खासे वेरिएंट्स उस बजट में मिल जाएंगे। ग्रैंड आई 10 नियोस आ जाएगी, जो कि 1200 cc में आती है, एंड इसी के सेगमेंट से अगर आप देखोगे अरीना से, तो आपको सेलेरियो या फिर दूसरी गाड़ियां मिल जाएगी। बट द थिंग इज कि आपको टियागो में, अगर पंच की भी बात करें, तो सब में 3 सिलेंडर इंजन मिलता है, बट मारुति आपको ये 4 सिलेंडर इंजन प्रोवाइड कर रहा है, जो कि ज़्यादा ड्यूरेबल रहने वाला है, ज़्यादा बढ़िया, मतलब रिलायबिलिटी ज़्यादा रहती है 4 सिलेंडर इंजन की। एंड्रोलिंग की बात करें तो स्टेयरिंग रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है। ऑटोमेटिक गियरबॉक्स बहुत से लोग कंसिडर करना चाहते हैं, बट कन्फ्यूज रहते हैं कौन सा करें। अगर आप अप डाउन के पर्पज से इस गाड़ी को कंसिडर करना चाहते हो, तो आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट चॉइस रहने वाली है, बिकॉज एएमटी में आपको 20-21 का माइलेज इजीली देगी, एंड अगर हम मैनुअल की बात करें तो उसमें भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला है, सिटी में आपको 17-18-19 वो इंडिविजुअल ड्राइविंग के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्सा अपनी कार्स में सीएनजी प्रोवाइड नहीं करती, अगर आप इग्निस, बलिनो, सियाज, एस क्रॉस, XL6 सब में देखोगे ना, तो नेक्सा ने अपना जैसा कि प्रीमियम क्लास बनाकर रखा है, तो आपको CNG जैसा कोई भी ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। तो अगर आप इसको अप डाउन के पर्पज से कंसिडर करना चाहते हो, तो CNG के लिए आपको आफ्टर मार्केट जाना पड़ेगा। यहाँ से टर्निंग रेडियस की एक बार बात कर लेते हैं। सर, स्टेयरिंग बहुत ही रिस्पॉन्सिव है, एंड गाइज मैं आपको एंड में इसका कंक्लूजन भी बताने वाला हूँ कि आपके लिए एक राइट चॉइस रहने वाली है कि नहीं इन द ईयर 2022। अब मैंने पूरा पंजा दिया ही नहीं था, आप देख सकते हैं यार क्या पावर जनरेट करती है, बहुत प्यारी पावर है यार। 80-100 तो अंदर बिल्कुल भी पता नहीं लगती, अब जैसे ही फिफ्थ गियर डल जाएगा आप देख सकते हो एकदम साइलेंट केबिन हो जाता है। इनिशियल पे तो ऑब्वियसली नॉइस आएगा ही हायर आरपीएम पे, जैसा कि ये अर्बन एसयूवी सेगमेंट में आती है, एक जिसका ड्रीम रहता है ना बड़ी गाड़ी लेना, बट उतना बजट नहीं रहता, तो वो इग्निस के साथ जा सकता है, बिकॉज जब इग्निस इंडियन मार्केट में लॉन्च हुई थी ना, बहुत से लोग इसके लुक्स के कारण इसको डिनाई कर रहे थे, या इतना रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था नेक्सा को इस मॉडल पर, बट आज की तारीख में इग्निस मोस्ट डिमांडेड बन गई है। मॉड्स भी अगर आप इंस्टाग्राम पर देखोगे ना, इतने मॉड्स करके लोग इस गाड़ी को रखते हैं, तो मेरे को पर्सनली काफ़ी अच्छी लगती है।
एक और प्लस पॉइंट ये है कि आपको इसमें 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जो कि बेस्ट इन सेगमेंट है। आप कौन सी भी इस सेगमेंट की गाड़ियां देख लोगे ना, तो उसमें 180 mm नहीं मिलने वाला है। तो स्पेशली 180 mm अपनी इंडियन रोड्स को कंसिडर करते हुए एक मेन थिंग हो जाती है। तो ग्राउंड क्लियरेंस से रिलेटेड आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। अब जैसा कि मारुति अरीना का शोरूम यहाँ पर है, तो हम इसके भी मॉडल्स की बात कर लेते हैं। तो आपको इस बजट में सेलेरियो या भी रिसेंटली लॉन्च K10 भी मिल जाएगी। बट मारुति अरीना की जैसे कि सेलेरियो है, इन सब गाड़ियों का मैं ऐसा बोलना नहीं चाहता, बट एक स्टेटस नहीं है जो नेक्सा, मतलब एक प्रीमियम ब्रांड आ जाता है और नेक्सा की मोस्ट अफोर्डेबल कार है अपनी इग्निस, तो एक वो अलग ही बात रहती है यार। आप अगर इतने पैसे स्पेंड कर रहे हो, सेलेरियो का बेस वेरिएंट ले रहे हो तो मैं नहीं बोलूंगा, बट अगर आप सेलेरियो के अपर वेरिएंट्स कंसीडर करना चाह रहे हो, एस्प्रेसो का टॉप मॉडल ले रहे हो, या अल्टो K10 जो कि रिसेंटली आई है उसका भी अगर आप टॉप मॉडल ले रहे हो, तो मैं बोलूंगा कि आप इग्निस पर स्विच हो जाओ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इंटीरियर आप देख सकते हो, व्यू का तो यार मुझे कहीं से कहीं तक ऐसा नहीं लग रहा है कि व्यू कहीं ब्लॉक हो रहा है। भाई से पूछना चाहूंगा, अभी एक पर ही एसी है भाई, कूलिंग हो गई है? बिल्कुल हो गई, बिल्कुल हो गई। केबिन एकदम कूल्ड है। टर्निंग रेडियस देख सकते हो, इजीली टर्न हो रही है। स्टेयरिंग रिस्पॉन्स भी काफी अच्छा है। लोग टाटा के पीछे इसलिए भागते हैं बिकॉज उसकी बिल्ड क्वालिटी। लोग बोलते हैं नहीं यार, हमें तो सिर्फ सेफ्टी चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप टियागो मत लो या पंच मत लो, मैं दोनों पर वीडियो बना चुका हूँ। ड्राइव इंप्रेशन आपको आई बटन एज वेल एज डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। उस वीडियो में भी मैंने बताया, अगर आपको रिफाइनमेंट चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए गाड़ी चाहिए, तो टाटा की मत लो। बिकॉज यार उसके ए पिलर से, मैंने एल्ट्रॉस चलाई है, टियागो चलाई है, ए पिलर में एक अजीब सा नॉइज आता है। एंड जो एक मतलब बोलते हैं ना, अगर आपको लॉन्ग टर्म में रीसेलिंग चाहिए, मेंटेनेंस फ्रेंडली कार चाहिए, तो आपको मारुति सुजुकी से बेस्ट ऑप्शन नहीं रहने वाला। अब अगर आप ग्रैंड आई10 नियोस को देखोगे, तो आप उस गाड़ी के लिए भी जा सकते हो, बुरी नहीं है, बिकॉज वो भी आपको फोर सिलेंडर में मिलेगी जैसा कि इग्निस आती है, तो वो भी आपके लिए बढ़िया चॉइस रहने वाली है। उसके थोड़े डिफरेंट लुक हो जाते हैं, आपको इग्निस में एसयूवी वाला पूरा फील मिलता है। एंड अगर कंट्रोलिंग की बात करें, तो यार एक मतलब बोलते हैं ना, ड्राइविंग एंथुजियास्ट कार है, जो पावर ये जनरेट करती है ना, ये पता ही नहीं लगती यार 100, बिकॉज इसका जो वेट एंड पावर रेशो रखा गया है ना, जैसा कि अभी नई बलिनो आई, उसकी बिल्ड क्वालिटी के चक्कर में वेट इतना इंक्रीज कर दिया कि 1.2 लीटर का गियरबॉक्स उसमें इतना मज़ा नहीं दे पाता। बट जो इग्निस है ना, इसका वेट मतलब ज़्यादा नहीं बोलूंगा, बिल्ड क्वालिटी भी ना बेकार बोलूंगा ना अच्छी, ठीक ठाक बिल्ड क्वालिटी है। और उसके कंपैरिजन में जो पावर है ना, जैसे एक्सेलरेटर पे पैर रखते हो तो फील होता है। कंट्रोलिंग भी यार बहुत प्यारी है। अब अगर ऑटोमेटिक गियरबॉक्स की बात करें, तो बेस मॉडल को छोड़ के, जैसे कि सिग्मा, डेल्टा, जेटा एंड अल्फा, तो सिग्मा को छोड़ के आपको तीनों वेरिएंट्स में ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ गाड़ी अवेलेबल हो जाएगी। 50,000 रुपीज़ का डिफरेंस है। लाइक डेल्टा से डेल्टा AMT लेना है तो 50,000 प्लस, वैसे ही जेटा एंड अल्फा के साथ। तो AMT गियरबॉक्स आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट चॉइस रहने वाली है। ऐसे गियर चेंजिंग में अटकने जैसा इशू, या मतलब मैं चला रहा हूँ इसे, तो मैंने ना गियरबॉक्स की तरफ ध्यान दिया, सिर्फ रोड को देख रहा हूँ मैं और एक्सेलेटर दे रहा हूँ, इतना रिफाइंड ये गियरबॉक्स है। मारुति के गियरबॉक्स के बारे में को आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि यार ये यूं ही मार्केटिंग कर रहा है, तो गाइस ऐसा नहीं है। जो मेरा फर्स्ट राइड एक्सपीरियंस है, फर्स्ट राइड तो नहीं, जो मेरा आज की वीडियो का मोटिव है, शुड यू बाय दिस कार और नॉट, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अब किन लोगों को ये कार लेना चाहिए, जैसा कि मैंने बताया, स्पेशली अगर आपका एक सिटी रन है ना, सिटी पर्पस के हिसाब से इस कार को कंसिडर करना चाहते हो, तो इग्निस आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट चॉइस रहने वाली है। 4 या 5 लोगों के साथ डेली 80-100 किलोमीटर्स अप डाउन करना है, लाइक बहुत से लोग इसको अप डाउन पर्पस से कंसिडर करना चाहते हैं, तो वो कर सकते हैं। बिकॉज यार 20-21 का माइलेज बहुत हो जाता है। 20-21 आप CNG लेके 25-26 से अच्छा, आप CNG की भी आपको कॉस्टिंग पता ही है। तो आपको एक मतलब बेस्ट लुकिंग कार चाहिए, एक SUV वाला फील कम बजट में चाहिए, तो आपके लिए डेल्टा, जेटा मोस्ट वैल्यू फॉर मनी रहने वाले। वीडियो को एंड करते हैं गाइस, आई होप आपको वीडियो में मजा आया होगा। बेसिक मैंने अपना जो मेरे को फील हो रहा था गाड़ी से रिलेटेड ड्राइव करके, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। बाकी आप में से कौन इग्निस ओन करता है, मुझे एक बार कमेंट में जरूर बताना। ओवरऑल तो यार बहुत बढ़िया गाड़ी है, आपके लिए बेस्ट चॉइस रहने वाली है। जो भी इस वीडियो के थ्रू मेरे चैनल पर आया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। एंड कौन सी भी कार पर आपको ड्राइव इंप्रेशन चाहिए, तो वो भी मेरे साथ एक बार कमेंट में जरूर शेयर कर देना। सो मिलते हैं ऐसे एक इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ।